हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे फ्रेंकी रोल, जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इसे मैंने बॉईल करके मैश कर रखा है। जो फ्रेंकी मसाले के लिए हम सामान लेंगे, ये मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच है, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच है, हल्दी 1/2 चम्मच है, अमचूर पाउडर 1 चम्मच है, काली मिर्ची पाउडर 1 चम्मच है, लाल देगी मिर्च 1 चम्मच है, सौंठ 2 पिंच है, काला नमक 1/2 चम्मच है। फ्रेंकी मसाला मैंने पहले भी इसकी वीडियो डाल चुकी हूँ और ये मेरे पास ऑलरेडी है तैयार। और इसमें हम लेंगे बाकी 1 इंच टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और इसे बारीक चॉप कर रखा है। 2 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और थोड़ी सी प्याज लेंगे। सबसे पहले हम इसका आटा गूंदेंगे। यहाँ मैंने आटा लिया है चक्की वाला और इसमें मैंने 1/2 कटोरी मैदा भी मिक्स कर रखा है। अगर आप चाहें तो खाली मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा से थोड़ा आप जानते हैं कि ज़रा बेलने में परेशानी करता है, इसलिए मैंने इसमें चक्की का आटा भी मिक्स कर रखा है। नमक इसमें मैंने 1/2 चम्मच डाला है। नॉर्मल जैसे हम चपाती का डो तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसका हमें डो तैयार कर लेना है। आटा हमने गूंद दिया है, इसे हम ढककर रख देंगे जब तक हम स्टफ तैयार करेंगे। पैन में मैंने 1 डिश का चम्मच ऑयल लिया है। जो मैंने आपको मसाले दिखाए हैं फ्रेंकी मसाले, उसमें सारे आप एक बाउल में करके अच्छे से मिक्स करके आप उसे रख लें और आराम से यूज करें जब भी रोल बनाएं आप। तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे हरी मिर्च और प्याज, सॉरी अदरक। हल्का सा फ्राई करेंगे इसे करीब 30 सेकेंड के लिए। गैस को सिम रखेंगे। अदरक जलनी नहीं चाहिए और इसी में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हरा धनिया। और इसी में फ्रेंकी मसाला ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। बस फ्राई क्या करना है, 30 सेकेंड बस आप इसको इस तरीके से। फिर आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे करीब 1 मिनट तक हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इसे हम फ्राई करते जाएंगे। नमक ज़रूर टेस्ट कर लें, मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें 1/2 चम्मच और मिला रही हूँ। ये फ्राई हो चुका है, इसे हम ठंडा होने रख देंगे एकदम। और अब हम चपाती बनाएंगे। यहाँ पर हम आटे की छोटी लोई बनाएंगे क्योंकि हमें एकदम पतला इसको चपाती बनानी है, रोटी को बेलना है। तो इसको हम एकदम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। जितनी आप चाहें, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी लोई बना के रेडी कर लेंगे हम। ये लोई बना के मैंने रेडी कर ली है, अब हम इसको बेलेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना पतला आप इसको बेलिए। इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है। ऐसे ही हम जितनी आपको ज़रूरत है बना के इसको हम पहले रखते जाएंगे। इसी तरीके से बाकी बेल लेते हैं। हमने ये बेल ली है, मैंने 3 ही बेली है, मुझे 3 की ज़रूरत है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमने स्टफ तैयार किया था उसको ये मैंने रोल बना के रखा है। तो जितनी आपको रोटी रखनी है इसका इतना बड़ा रोल बना के इसे हल्का सा और हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ तवे पे मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी ग्रीस करने के लिए। बस इसको अच्छे से फैला देंगे और यहीं पे हम स्टफ को
इस तरीके से, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए एस्टर। इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इससे और अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम पलट के भी फ्राई कर लेते हैं। टूट जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसे तो अभी हमें रोल में लगाना है, तो हम उसके हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो हम दोनों तरफ से इसको फ्राई करके निकाल लेंगे इसको। इसी पर हम अपनी चपाती हमें फ्राई करनी है। तो बहुत ही हल्के ऑयल से, जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने इसमें ऑयल भी नहीं डाला है, और बहुत ज़्यादा इसको हमें फ्राई नहीं करना है। बस इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, या आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। तो बहुत आसान है बनाना और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इसी तरीके से हम तीनों चपाती फ्राई कर लेंगे। तो इतना ही फ्राई होना चाहिए जितना आप देख रहे हैं। इसके हम निकाल लेते हैं, ऐसे ही बाकी दो भी फ्राई कर लेते हैं। ये चपाती हमने फ्राई कर ली है, अब हम इसमें रोल रखते हैं। और अगर आपको लगता है कि छोटा हो तो आप इस तरीके से इसको कर लें। और यहीं पे हम इसमें ऐड करेंगे प्याज इसके ऊपर से। थोड़ी ग्रीन चटनी, ये मैंने हरा धनिया और ज़ीरा और हरी मिर्च और नींबू की बनाई है। नमक, बस चार चीज़ें हैं इसमें। और इसी पे हम थोड़ा सा टमाटो सॉस डाल देंगे। टमाटो सॉस से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ग्रीन चटनी से भी बहुत अच्छा इसमें आता है। इसको हम फोल्ड कर देंगे और इसको आप सिल्वर फॉइल या टिश्यू पेपर, आप जो उसमें इसको रैप करना चाहते हैं इसके साथ, आप इसको रैप कर सकते हैं। तो हमारा फ्रेंकी रोल बनके रेडी है। आप चाहें तो चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं इसमें और टेस्ट के लिए। ऐसे ही हम ये दोनों रोल तैयार कर लेते हैं। ये फ्रेंकी रोल बनकर रेडी है। आप इसे एंजॉय करिए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।